जो महंत है संत कबीरदास आश्रम के, साथ ही हैं समाज सेवी रुजान खंबाता और जानो दुनिया इनपुट हेड राजीव ओझा जी। साथ ही कोलकाता से फोन लाइन पर जुड़ेंगे समाज सेवी जेम्स जोस। इनके साथ हम बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला और कैसे गे कम्युनिटी के अधिकारों को हिमायती विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और किस तरह से कोर्ट के फैसले के बाद पूरे मसले पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत पर करोड़ों लोगों की नजर थी। एक ऐसे मुद्दे पर फैसले का इंतजार था जिसकी भारतीय समाज में दबी जुबान में चर्चा को भी ठीक नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। Court today has set aside the judgment of the Delhi High Court and the Supreme Court has dealt that it is constitutionally valid and it has said that it has further said that the Union of India, if they want to delete it from the statute book, they will be at liberty to do so. That we will take all legal measures. We will read the judgment and come to a conclusion whether it's indeed a setback or for us or not. It appears to be a setback, but we cannot say certainly now. But I can tell you the fight is not over. The fight will continue if the judgment is against us. It's a little more than disappointment and dejection. I think that a historic opportunity to expand constitutional values has been lost. It's almost like saying Article 21 doesn't exist in the Constitution of India. It's like almost like deleting Article 21 from the Constitution of India. And I think it's the imposition of a medieval mindset on the people of this country. दरअसल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि दो वयस्कों के बीच आपसी रजामंदी से बना समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा है जिनका प्रतिनिधित्व संसद में बैठे जनप्रतिनिधि करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि धारा 377 गलत है तो वो संविधान में संशोधन कर इसमें बदलाव ला सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यतो धर्मस्ततो जयः जो ट्रैग लाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उसी के अनुरूप देश के करोड़ों लोगों की जनभावनाओं का आदर करते हुए समलैंगिकता को गैर कानूनन घोषित करके उसको अपराध की श्रेणी में रख करके करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ समाज सेवियों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और संसद से इसका रास्ता निकालने की मांग दोहराई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद धारा 377 पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। दरअसल ब्रिटिश राज में बनाया हुआ ये कानून अप्राकृतिक यौन संबंध को गैर कानूनी ठहराता है। इसके तहत अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर उम्र कैद या 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं रोहित चौहान, जो गे कम्युनिटी के समर्थक हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी रोहित जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आज समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रख दिया है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? जी, लेकिन आपको, आपके हिसाब से जिस तरह से कहा जा रहा है कि समलैंगिक संबंध अब अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे, वो कहाँ तक सही है? क्योंकि चोर डकैती या किसी का खून करना, इसे अपराध कहा जाता है जिसकी सजा मिलती है, लेकिन समलैंगिक संबंध, ये तो किसी की प्राकृतिक भावना होती है, इसको अगर अपराध की श्रेणी में रख दिया जाए और इसके लिए दंड अगर मिलना शुरू हो जाए, तो वो कहाँ तक सही लगता है? नहीं मैम, एक्चुअली ये ऐसा है कि अभी एक्चुअली सब लव सबके बीच में होता है। अगर घर लोगों के बीच में लव होता है, अगर वो रिलेशन में वो होता है कन्वर्ट, तो वो कोई गलत नहीं है। जी जी, उगम जी के पास जाना चाहूंगी। उगम जी, आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है और समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन देखा जाए तो ये तो प्राकृतिक भावना है, तो इसको अपराध कहना आपको कहां तक सही लगता है? ये बोले सुप्रीम कोर्ट का जो चुकादा है जी, वो सही है, क्योंकि हमारे धर्म के सिद्धांत में ये सही है जी। और जब से ये दुनिया बनी तब से जी, कोई भी धर्म में या कोई भी सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत यही बताता है कि नर और नारी से जगत की रचना हुई है जी। और उसमें ऐसे
अमनुष्य के वृत्ति वाले जो लोग हैं जी, लेकिन धर्म लोगों के वजूद को क्यों नकार रहा है? जो सच है वो तो सच है। ये नकारने के ये अपने अपने बुद्धि से सब बात करते हैं जी, लेकिन सही में तो ये सही है कि जो धर्म के सिद्धांत है नर नारी से रचना हुई है जगत की जी, तो उस विरुद्ध कोई भी कर्म कार्य करेगा तो धर्म के विरुद्ध है वो जी, अच्छा यानी कि नहीं आपका है। कहना है कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। रुझान जी क्या कहेंगे आप इस पर? जी सबसे पहले आप जो बता रहे गुरु जी के धर्म के विरुद्ध है, तो मैं शायद याद दिला दूं कि महाभारत में वो शिखंडी की जो हमने स्टोरी सुनी थी वो एक्चुअली पहले शिखंडानी करके एक लेडी थी, शी वॉज बॉर्न एज अ फीमेल, लड़की की तरह वो बॉर्न हुई थी, फिर शी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, वो महाभारत की फाइट में शी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेल एंड देन शी मैरिड अ वुमन। इसलिए ये जो आप धर्म की बात करोगे तो उसमें एक और भी दूसरा भी धर्म है जिसमें लुगुम कॉम कहते हैं उसको, और वहां भी पिछले 600 साल से ये जो ये रिलेशन है गे या लेस्बियन वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। कमिंग बैक टू द बेसिक पॉइंट, अभी मैं ये पॉइंट जो धर्म वाली पॉइंट है वो एक नॉन फैक्ट है कि इंडिया में हिस्टोरिकली ये पॉइंट है कि ये लॉ 1861 में आया जब ये ब्रिटिश रूल चालू हुआ, एंड ब्रिटिश रूल वेल अगेंस्ट, तो दे ब्रॉट दिस कॉलोनियल लॉ। 1861 के पहले इसका कोई लॉ नहीं था, और इसलिए तभी हमारे हमारे धर्म में हमारे इंडिया में हमारी संस्कृति में ये चलता था, ये लीगल था। और लेकिन आफ्टर दिस ब्रिटिशर्स डिडंट लाइक ये कॉलोनियल लॉ, इसलिए अभी झगड़ा ये हो रहा है कि ये जो 1861 का लॉ है उसे हमें चेंज करना है, और ये जो 377 कलम जो ब्रिटिश रूल ने डाली थी। और एक दूसरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, क्योंकि अभी हम लोग ये जो बहस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लेस्बियन एंड गे रिलेशंस आर इलीगल, लेकिन ये जो 377 कॉलम जो कलम है आईपीसी में वो ये कहती है कि हुसोएवर वॉलंटरीली डस कार्नियल इंटरकॉर्स, यानी जो डस कार्नियल इंटरकॉर्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर विथ अ मेल, मैन वुमेन एंड एनिमल। अब मेरे तो दिमाग में ये एनिमल भी उस टाइम से कैसे आया था वो मेरे को समझ नहीं आ रही है, लेकिन इतने ज्ञानी थे वो लोग वहां के, उस टाइम भी एनिमल वर्ड लगा दिया था जी। और देयर देन उनको जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट किया था, तो झगड़ा उस पॉइंट का था। जो मेरे को एक क्लैरिटी करनी है कि ये जो वहां के जो जो नाज कौन सी थी, नाज करके जो एनजीओ थी, उसने फाउंडेशन ने यहाँ पे कहा कि सर ये जो 377 कलम हम पे मिसयूज होती है, पुलिस वाले हमें परेशान करते इस कलम के नाम पे, और इसलिए आप इस कलम को डिसकंटिन्यू करो। तो लेट अस नॉट ब्लेम जुडिशरी, आई रिस्पेक्ट जो आज का जजमेंट आया, आई रिस्पेक्ट दैट जजमेंट, क्योंकि जज ने कहा, बिकॉज उनका परव्यू में सिर्फ इतना ही आया कि ये कलम मिसयूज हो रही है, उसके परव्यू में ये नहीं आया कि भाई हमें हम इलीगल है या हमारे वेडिंग इलीगल है। जुडिशरी ने ये कहा कि ये कलम जो अगर मिसयूज होती है तो आप पार्लियामेंट में जाइए और वहां पे बोलिए कि ये मिसयूज हो रही है। तो दिस इज द पॉइंट, अगर आप लोग कोर्ट ने अब गेंद जो है संसद के पाले में डाल दी है। राजीव जी, ये जो आज फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो चलिए धारा 377 की वैधानिकता की बात की है, लेकिन अगर अपराध की श्रेणी में समलैंगिक संबंधों को डाल दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं मानवाधिकार पर भी सवाल उठाता है, उनका भी हनन कहीं ना कहीं ये बताता है। बिल्कुल, ये देखिए ये डिफिनेशन की कौन सी चीज अपराध है और कौन सा अपराध नहीं है, इसके लिए ही आईपीसी और धाराएं हैं, दंड की धाराएं हैं। सवाल और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये कौन डिफाइन करेगा कि क्या चीज़ नेचुरल है क्या अननेचुरल है। उस ये देखिए, अब ऐसा है कि लोग धर्म का नाम ले रहे हैं, इसमें नैतिकता का नाम ले रहे हैं और अपनी संस्कृति का नाम ले रहे हैं, जबकि 600-700 साल पहले भी इस तरह के होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र है। खजुराहो में ढेर सारे ऐसे मूर्तियां हैं जिसमें कि इसको बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हम डाइवर्ट हो जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी रामदेव जी की बात कर रहे थे कि करोड़ों भारतीयों की भावना का आदर और सम्मान और उसकी रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि हम 26 लाख या उससे भी ज्यादा। मैं उगम जी से जाना चाहूंगी कि आप धर्म की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से राजीव जी ने भी कहा कि 600-700 पहले भी इस तरह की चीजें देखी गई हैं, खजुराहो इसका एक बड़ा एग्जांपल है, तो क्या कहेंगे इस पर अब आप? ये दुनिया की रीति है, हर चीज की हम शक्ल बनाने का पेश करने की दुनिया की रीति है। असल में ये बात है कि दुनिया में जो निर्माण हुआ है एक नारी और एक पुरुष का, देखिए प्रॉब्लम वही है कि जहाँ हम सेक्स को
सिर्फ प्रजनन का एक वो और निर्माण का एक तरीका मान लेंगे, वहीं से समस्या शुरू होती है। सेक्स का मतलब सिर्फ प्रजनन या बच्चे पैदा करना नहीं है, और इसको समझना होगा कि ये एक मन स्थिति है जी। हम जिसको अननेचुरल कहते हैं जी। तो अगर दूसरे की नज़र में उसमें हम किसी तरह का प्लेजर या हम उसको नेचुरल मानते हैं तो इसको हम अपराध कैसे मान सकते हैं? तो समस्या यहीं शुरू होती है और बस यहीं पर टैबू जो होता है ना कि पुराने उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, समाज बदल रहा है। रोहित जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे पूछना चाहूंगी। रोहित जी, धर्मों के विरुद्ध बताया जा रहा है, धर्म के विरुद्ध कहा जा रहा है, नेचुरल का सवाल है, अननेचुरल कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? कहना चाहता हूँ कि कोई धर्म के विरुद्ध नहीं है, सब धर्म में ही आता है। एक्चुअली हम भी वही समाज से हुए हैं, और एक्चुअली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई गलत नहीं है जी, यानी कि कुछ गलत नहीं है। उगम जी के पास मैं वापस जाना चाहूंगी कि कुछ गलत नहीं है ये कहना है इनका, और साथ ही धर्म की बात कर रहे थे हम, अपने इतिहास की बात कर रहे थे, इन चीजों का वर्णन पहले भी मिला है, लेकिन अब समाज इसे नकार क्यों रहा है? पहले के बात सोचो पहले, और जो कोई इस विचारधारा को कई खिसड़ के आगे ले जा रहा है उसको पहले विचार करना चाहिए कि हमारी दुनिया परमात्मा ने नर और नारी से निर्माण किया है, और नारी से ही जगत का निर्माण होता है, ना कभी पुरुष पुरुष से होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति अट्रैक्ट होता है या उसको आकर्षण होता है तो ये तो बिल्कुल प्राकृतिक भावना है। ये बात ऐसे कि वो अपना अपना विचार में दुनिया दौड़ रही है, सही विचार तो है नहीं। धर्म को जिसको मानना नहीं है, संस्कृति को जिसको मानना नहीं है, मैं कैसे पैदा हुआ वो खुद नहीं मान सकते तो वो क्या सोचेगा? लेकिन जी, धर्मों की अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज के जमाने में घट रही हैं, जो हमारे धर्म में नहीं लिखी, हमारे ग्रंथों में नहीं लिखी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो जब उन चीजों को बदलाव हम कह सकते हैं, बदलाव आ रहा है सोसाइटी में, हमारे समाज में, तो इससे इतना परहेज क्यों? ऐसे बदलाव नहीं आ सकता, भले बातें हजारों करें लेकिन जो सही हो सही होगा। अभी तक आपने कहीं देखा है कि पुरुष पुरुष के मिलन से कोई दुनिया पैदा हुई? गुरुजी, मेरे को एक मिनट, मेरे को ये कहना है कि अभी धर्म की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है भगवान ने दिया। अगर भगवान ने किसी लड़के को या लड़की को एक बर्थ दिया है, और ये साइंस से प्रूव हुआ है, बायोलॉजिकली साइंस से ये बात प्रूव हुई है कि अगर उस लड़के में किसी लड़की की तरफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा लेकिन किसी लड़के की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके जीन्स का है, और जीन्स और उसे भगवान ने देते हैं। इट इज ऑल धार्मिक। अगर आपका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सर बात करूंगी तो ये धार्मिक है। इसमें कोई जानबूझ के कोई इंजेक्शन मार मार के वो नहीं बोला है कि अब मेरे को इंजेक्शन मार और अब मैं मैन के अट्रैक्ट हूंगा या मैं वुमेन के अट्रैक्ट हूंगा, तो ये बात जी, ये प्राकृतिक। तो सर, तो ये तो हम धर्म के विरुद्ध तो जा ही नहीं रहे। एक मिनट, ये हम धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, इसलिए अगर, और मैंने आपको सवाल सर जी पहले भी बताया स्वामी जी कि हमारा तो परंपरा धर्म, जैसे कामसूत्र में बताया या मैंने श्रीखंडी जी की बात की, तो ये सब में तो ये हो ही रहा था, तो हम कोई धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे। जी राजीव जी, आप यहाँ कुछ कहना चाहते हैं? जी, एक चीज ये जानना चाहते हैं कि धर्म को ही अगर ले लें कि धर्म ये लिखा है कि हम जब युवा होंगे और जब जवान होंगे तो हमारी एक अट्रैक्शन होगा और हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे और फीमेल के साथ संबंध बनाएंगे, विवाह संबंध या जो सामाजिक नियम के अनुसार शादी करेंगे, उसके बाद हमारे बच्चे होंगे जी। आप ही लोग, ये जो कोई इसको फॉलो नहीं करता वो ब्रह्मचारी रह जाता, तो उसको तो बड़ी इज्जत से देखा जाता है कि बाबा ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने सब अपने उस पे कंट्रोल कर लिया। ये अननेचुरल नहीं हुआ क्या कि अपने नेचुरल अर्ज को वो कंट्रोल कर रहे हैं? अननेचुरल है कि नहीं? और ये अगर अपने नेचुरल अर्ज को कंट्रोल नहीं करके डिफरेंटली उसको इंजॉय कर रहे हैं या उसको सही मान रहे हैं, तो इसमें गैर कानूनी या अप्राकृतिक क्या है? नहीं, ये बात, ये जो आपने पॉइंट उठाया संत के ऊपर, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने वो रखते हैं, ब्रह्मचर्य ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह हमारी ये है कि एक तो कानून से विरोध है, ये जो नर नारी का नहीं, नर नारी का लगन समय पे जी, लेकिन कानून तो बदला जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि 150 साल पुराना है विक्टोरिया के जमाने का, उसको बदला जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी एथिकल अनएथिकल की बात ही नहीं की, उसने तो बहुत टेक्निकल रीजन पे सेक्शन 377 से कहा है कि चूंकि अभी ये हमारी संविधान की किताब में लिखा हुआ है कि अगर ये चीज एक्ट होगा तो वो अपराध है।
अगर आप चाहते कि ये अपराध ना हो तो इसको सिंपली अमेंड कर दीजिए, संशोधन कर दीजिए, वो काम संसद का है जी भाई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि इस पर अब फैसला आगे जाकर संसद को लेना है। एक चीज और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि इतना सीरियस इशू है ये, और जो सरकार का कैजुअल अप्रोच है, हम पार्लियामेंट में बहस गैर जरूरी मुद्दों पर करते हैं, वेस्ट करते हैं, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होती। पार्लियामेंट का जो रुख है उस पर भी सवाल उठता है और कैजुअल अप्रोच इसमें नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे।